अब घर की चाबी और जिम्मेदारी सौंपने के लिए उन्हें अपनी चारों लोगों में से सबसे योग्य भोग को चुनना था। आइए देखते हैं उन्होंने अपने योग्य भोग को चुनने के लिए क्या किया। मैंने एक सांस्कृतिक यात्रा पर जाने का निर्णय किया। मैं अपनी विकास जाने गई हूँ कि दीरा में जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटू तब मुझे ये सौंप दो। चारों बहुओं को गेहूं के 5 दाने देकर दादाजी यात्रा पर चले। आइए देखते हैं बहुओं ने क्या किया। ये बूढ़ा तो अपनी बीवी के गम में पूरा का पूरा ही सट आ गया है। इसे क्या लगता है कि ये दाने मैं 5-1 साल तक संभाल के रखूंगी। हाँ बाबूजी ने जरूर ये दाने पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए दिए होंगे, तो मैं इन्हें अभी खाऊंगी। 1 साल के बाद तो मैं इन्हें अभी खा लेती। बाबूजी ने अगर ये दाने दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। शायद इनके पीछे कुछ कारण होगा। मैं इन्हें जाकर अभी मंदिर में रख देती हूँ, फिर जब वो 1 वर्ष बाद आएंगे तो उन्हें लौटा दूंगी। चाहे हालात कैसे भी हों पर बाबूजी बहुत समझदार है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के दिए होंगे। तो मैं इन्हें 1 साल तक तो नहीं संभाल के रख सकती, इसलिए मैं इन्हें पीछे के बगीचे में बो देती हूँ। 1 साल बाद जब बाबूजी वापस लौटे मुझे मैंने तो उसी वक्त वो गेहूं के दाने फेंक दिए थे। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दान से ला के दे दूंगी। मैंने कहा वो 5-1 साल तक कौन तो संभाल के रखेगा। बाबूजी मुझे लगा कि आपने वो आशीर्वाद के रूप में दिए थे, तो आप मुझे अभी खाने के लिए बोलते तो मैंने पहले ही खा लिया। तुम बताओ बाबूजी, जो आपने मुझे दाने दिए मैंने मंदिर में जाके रख दी थी, मैं अभी ला रही हूँ। बाबूजी वो दाने मैं 1 साल तक तो संभाल के नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उसे पीछे के बगीचे में बो दिया। अगर आपको वो चाहिए तो आपको कई ट्रक मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 500 और कई अधिक हो गए हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी योग्य बहू को ढूंढ लिया है। छोटी बहू इधर आओ। जी बाबूजी, ये लोग अपनी जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबी, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में। जिस प्रकार बाबूजी ने अपनी चारों बहुओं को 5 दाने संभाल कर रखने को दिए, और जिस बहू ने उन्हें ना सिर्फ संभाल कर रखा बल्कि उनकी और तीव्रति की, उस बहू का जीवन सबसे ज्यादा फूला फला। उसी प्रकार अगर हम भी गुरुजी के दिए हुए 5 शीलों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में भी बाहर आ जाए।